हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मतलब जानते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है एंशिएंट तथा कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तथा यूकैरियोटिक का मतलब यू मीन्स होता है न्यू या मॉडर्न, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राचीन न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात पुराना अल्प विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, तथा ये सरल प्रकार की कोशिकाएं होती है। तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नया अर्थात मॉडर्न न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि एक केंद्रित झिल्ली द्वारा घिरा होता है तथा यह एक जटिल कोशिका होती है। हम सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में बात करते जाएंगे, कौन सी चीजें इसमें कॉमन है तथा कौन सी चीजें में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बाहरी झिल्ली होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है, तथा सेल वॉल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं से सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ज्यादातर बैक्टीरियाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तथा कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल अनुपस्थित होती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, इसका अपवाद है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है, लेकिन सेल वॉल प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तथा फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तथा प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज तथा पेक्टिन से मिलकर बनी होती है, तथा एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब दूसरी झिल्ली की बात करते हैं, जो दूसरा कवर होता है सेल पर, वो होता है सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली, या इसके या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में, दोनों यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना दोनों समान होती है, दोनों ही फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इसमें भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, तो अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, दोनों में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, लेकिन जो अंतर है, जो नाम से भी हमें पता चला है कि प्रो प्लस कैरियोटिक, कैरियोटिक जो न्यूक्लियस के लिए है, तथा इसमें न्यूक्लियस का अल्प विकसित या न्यूक्लियस में केंद्रित झिल्ली का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र को न्यूक्लियोइड होते हैं, इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए तथा दोनों में डीएनए पाया जाता है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तथा इसमें सर्कुलर तथा लीनियर दोनों प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इसमें यदि बात करें तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तथा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। डीएनए में डीएनए तथा साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तथा इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब दूसरे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले दूसरे कोशिका अंगों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी दोहरी झिल्ली आवृत कोशिकांग होते हैं, उनका अभाव होता है। तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी प्रकार के
दोहरी झिल्ली आवृत, सभी प्रकार के दोहरी झिल्ली आवृत कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसमें कोशिकांग सबसे पहले यूकेरियोटिक में बात करते हैं कि किस प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं तथा इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इसमें पहले बात करते हैं कि सबसे पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत होता है तथा श्वसन का कार्य करता है तथा दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल भी एब्सेंट होती है तथा क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है। यह अंतर भी हमें जान लेना साथ ही साथ। तथा दूसरा होता है, तीसरा होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा अर्थात अंतरपरदवी जालिका भी एब्सेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं तथा ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। तथा दूसरी बात करते हैं तो ये होती है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स अर्थात गैस धानी जो कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है तथा मोस्टली सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन यदि बात करें यूकेरियोटिक सेल्स में, यूकेरियोटिक सेल्स में ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में ज्यादातर भाग वैक्यूल से घिरा होता था, तस धानी से घिरा होता है। ये जो ज्यादातर भाग होता है वैक्यूल से घिरा होता है जो कि सेल का प्रासरण तथा अन्य कार्य करती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसमें कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर मीजोसोम्स का निर्माण करती है। मीजोसोम्स क्या करते हैं? उनमें मीजोसोम्स में श्वसन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। और एक होता है जो कि लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी प्रकार के बाहरी तत्वों को डाइजेस्ट करते हैं तथा इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम का अभाव होता है। लेकिन कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के बीच में एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं जो कि लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य क्रोमोसोम तथा मुख्य न्यूक्लियोइड के अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जो कि प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं जो किसी प्रकार की एंटीबायोटिक के प्रति इसको रेजिस्ट करते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है तथा फ्लैजेलम नामक प्रोटीन का बना होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तथा प्लांट सेल्स में फ्लैजेला एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल सेल्स में फ्लैजेला प्रेजेंट। यदि डीएनए के अमाउंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कम मात्रा में पाया जाता है तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इंट्रोन्स का अभाव होता है अर्थात नॉन कोडिंग डीएनए का अभाव होता है तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नॉन कोडिंग डीएनए ज्यादा पाया जाता है। इस कारण इसकी अमाउंट भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के अमाउंट भी ज्यादा होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन दोनों ही कोशिका ध्रुवों में होते हैं। कोशिका ध्रुवों में इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्योंकि इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तथा ट्रांसलेशन अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस कोशिका ध्रुव में होता है। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जांपल्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया,
एटसेट्रा। तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी प्रकार के हायर एनिमल्स तथा प्लांट्स तथा फंजाई होती है वो प्लांट्स एनिमल्स इटीसी। तो ये थे प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तथा वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।